quanto di te? Ah, per 400. है और बहुत ही शानदार जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है और कुछ ही देर में उद्घाटन सत्र के बाद हजारों श्रोता होंगे, हजारों तालियां बजेंगी और फिर झूम उठेगा। आप देखेंगे एक साथ पखावज का कमाल, अगर ये तस्वीर, ये संगीत, ये समारोह सुरक्षा में अपने उच्चतम स्तर की कुछ एक ही जगह पर, एक ही मंच पर संपन्न हुआ, ऐसा लगा जैसे निरंजना वो आ रहे थे, टाइम रहेगा, बोले कार्यक्रम शुरू कर। किया जा रहा है उस पुरुष के साथ जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन आपके शुभ आगमन के लिए। जिला प्रशासन गया की ओर हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह भेजकर स्वागत करें, अभिनंदन करें जोरदार तालियों के साथ। स्वागत है, अभिनंदन है आपका। एक बार पुनः आग्रह करें अभिनंदन, पुष्प गुच्छ भेंट करें, जोरदार तालियां आपके तरफ से आनी चाहिए। अब मैं इतना बड़ा आयोजन, अभी हम लोग तपोवन किया और इतनी सुंदर व्यवस्था के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे बीच ने भी पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें जोरदार तालियों से, स्वागत अभिनंदन जोरदार तालियां भी। जरा कर संकल्प लेते हैं समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने, समाज के विकास के लिए दृढ़ संकल्प होने का। ये हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे अधिकारीगण जो हमेशा जन भावना से, जन सेवा भावना से लगे रहते हैं और प्रदेश का विकास निरंतर होता रहे। सबको इस तपोवन महोत्सव में हम अपने तरफ से, अपने बिहार सरकार के तरफ से और बिहार सरकार के सम्मानित हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के तरफ से आप सबों का वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। आज मकर संक्रांति का उत्सव है, इस मकर संक्रांति के दिन से सूर्य का किरण जब बदलता है, सूर्य की दिशा बदलती है तो समाज में भी एक परिवर्तन का दिशा बदलता है। और इसलिए कहा गया है कि भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है और इस भारत के सांस्कृतिक राष्ट्र का अगर राजधानी कोई है तो यह बिहार की, यही मगध की भूमि है, जो सांस्कृतिक राष्ट्र के राजधानी यही मगध है। और इस मगध जो हमारे ज्ञान की भूमि, हमारे जो त्याग की भूमि, हमारे मोक्ष की भूमि और इस प्रकार विभिन्न धर्मों के, चाहे वह बौद्ध धर्म हो, चाहे वह तर्पण की भूमि हो,
चाहे वह जैन धर्म हो, चाहे वह सूफी धर्म हो, चाहे वह राजगीर के अंदर अब सिख धर्म का भी बहुत बड़ा गुरु नानक का बनने जा रहा है। और इस तरह विभिन्न धर्मों का अगर मोक्ष का भूमि अगर कोई है तो यही मगध है, जो विभिन्न धर्मों के लोगों को अगर मोक्ष लेना है तो इस मगध की भूमि पर आना पड़ेगा। बिना आए हुए उसे विभिन्न धर्मों के, चाहे वह जैन धर्म हो, चाहे वह सूफी धर्म हो, चाहे वह सिख धर्म हो, विभिन्न धर्मों के लोगों को मोक्ष की यह भूमि है। और पर्यटन विभाग इन सबों के लिए एक पर्यटन रोड मैप बनाया है। और यह बिहार आज देश के जो पर्यटन के क्षेत्र में जो बड़े राज्य हैं, उन राज्यों के 1 to 10 श्रेणी में बिहार भी अपना स्थान पा चुका है, बिहार भी अपना स्थान पा चुका है। दुनिया के पर्यटक इस बिहार के सांस्कृतिक भूमि को आते हैं, देखने आते हैं, इसको नमन करने करते आते हैं। और यह एक बिहार जो सांस्कृतिक राष्ट्र की एक राजधानी है, और हम सभी बिहार के गौरवशाली लोग हैं। और निश्चित तौर पर यह बिहार, विकसित बिहार, आगे बढ़ता हुआ बिहार, हर क्षेत्रों में चारों कोने से बढ़ता हुआ विकास बिहार, यह एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। और हम सब आए और इस बिहार को और भी ऊंचाई के पैगाम पर पहुंचाए। मोड़ा क्षेत्र, गया एवं बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए श्रद्धालुगण, भाइयों बहनों, माताओं और बच्चियों, आप सबको मैं मकर संक्रांति के और तपोवन महोत्सव के शुभ अवसर पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रत्येक वर्ष 2015 के बाद से बिहार सरकार द्वारा और पर्यटन विभाग द्वारा तपोवन महोत्सव को राजकीय महोत्सव का जगह प्रदान किया गया। और प्रत्येक वर्ष यह प्रयास रहता है कि इस महोत्सव को कैसे पूर्व के वर्षों से बेहतर किया जा सके और कैसे इसमें आने वाले श्रद्धालुओं को और इसमें भाग लेने वाले सभी धर्मावलंबियों को यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेहतर सुविधाएं हों उनके लिए और एक अविस्मरणीय याद यहां से लेके जा सके। हम सबको पता है कि यह तपोवन वही धर्म है, वही स्थली है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, माता रुक्मिणी, उनके द्वारा भी इस जगह को कभी न कभी विजिट किया गया है। और ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत के द्वारा कठोर तपस्या की गई थी, और उन्हीं पुत्रों के नाम पर यहाँ पे 4 जो तप्त गर्म कुंड है, और ये मान्यता है जिसके बारे में सदियों सदियों से प्रथा यहाँ तपोवन की चली आ रही है। प्रत्येक मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में धर्मावलंबी आते हैं एवं इन गर्म कुंडों में स्नान करके और मंदिर में दर्शन करके और यहाँ पर उपलब्ध जो भी सुविधाएं हैं उसका उपयोग करके वो अपने आप को तृप्त महसूस करते हैं। भाइयों बहनों, राज्य सरकार एवं पर्यटन विभाग द्वारा एवं जिला प्रशासन के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस तपोवन स्थली का सर्वांगीण विकास किस तरह से किया जा सके, क्योंकि यहाँ न केवल हिंदू धर्मावलंबी बल्कि बौद्ध धर्मावलंबी भी समय समय साल भर आते रहे हैं। इसी क्षेत्र, इसी सिलसिले में विभिन्न कार्य यथा तपोवन फेज 1 में करीब 90 लाख के निर्माण राशि से तपोवन कुंड का सौंदर्यीकरण किया गया है, जन सुविधा का निर्माण किया जा रहा है, कैफेटेरिया का निर्माण किया जा रहा है एवं पार्किंग एवं 4 दीवारी का निर्माण किया गया है। तपोवन फेज 2 में करीब 3,60,00,000 के लागत से गेटवे रिनोवेशन, एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग है यहाँ पर उसका रिनोवेशन, तो वॉल बनाना, बाउंड्री वॉल बनाना, पार्क का डेवलपमेंट और पूरे जो साइट है उसका डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है। तथा प्रत्येक वर्ष इस तपोवन महोत्सव के माध्यम से एक स्वस्थ मनोरंजन का आयोजन किया जा सके उसकी भी व्यवस्था की जाती है यहाँ पर।
पर्यटन विभाग द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा। इसके साथ ही इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, लोग निर्भीक होकर निडर होकर अपने धार्मिक आस्था का यहाँ पर निर्वाह कर सके, उसकी व्यवस्था भी इस पूरे दौरान रहती है। प्रत्येक तीन साल में यहाँ पर मलमास मेला भी एक माह का चलाया जाता है, जो बहुत जल्दी पिछले वर्ष किया गया था, और यह भी प्रयास रहता है कि उस दौरान भी यहाँ पर व्यवस्थाएं उच्च कोटि की रहें। भाइयों बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एवं माननीय पर्यटन मंत्री जी के पर्यटन विभाग के नेतृत्व में राज्य सरकार का यह प्रयास है कि आप सबके लिए पर्यटन के सभी स्थलों को विकसित किया जाए, सभी धर्मों के धर्मावलंबियों को सुविधाएं प्रदान की जाए, और इसी क्रम में तपोवन महोत्सव और तपोवन स्थली का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आने वाले समय में भी और भी इसमें कार्य किया जाना है, और हम सब आज हमारे आप देख सकते हैं कि हमारे सभी वरीय मंत्रीगण, सांसदगण एवं विधान पार्षदगण सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इस भवन स्थली को नमन करने के लिए, स्थली को आप सबके बात अपनी बात पहुँचाने के लिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि ये तपोवन महोत्सव आप सबके लिए आनंददायक होगा, और मैं आशा करता हूँ कि यह पावन धरती भविष्य में और भी उज्जवल होगी। जय हिंद, जय भारत। मोसी है आपके बीच में, आपके लोग की विधायिका श्रीमती कुंती देवी जी का स्वागत किया जा रहा है जिला प्रशासन गया की ओर से। तपोवन महोत्सव 2019 मनाया जा रहा है, क्योंकि इलाका जो रहा है बोधिस्व प्राप्त करने के लिए इस इलाका सहयोग किया है, क्योंकि तपोवन का नाम ही है, इस इलाका में तप करते थे और यहाँ के हमारे पूर्वज उस समय इनको सहयोग करते थे। यह भूमि रही है, तपस्या की भूमि रही है। तपोवन मेला लगता है, सब पूर्वजों बहुत दिनों से मेला मकर संक्रांति पर दही चूड़ा खा के मेला घूमने आते थे, हम लोग भी आते हैं। तो कहने के खास कारण है कि कुछ ऐसा चीज अर्घारी यहाँ पर बने कि हमको बच्चा बच्चा बोध गया करा, यहाँ भी मेला लगना शुरू हो जाए, राजगीर करा यहाँ भी मेला लगना शुरू हो जाए। पर्यटन विभाग ने जब तपो बनाए तो पर्यटन विभाग ने कॉलेज बढ़िया बने, यहाँ पर कोई बेटी बहू के बढ़िया पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। आज के दिन मकर संक्रांति के महान पर्व पर जब सूर्य भगवान धरती के एकमात्र आंखों से दिखने वाले दृष्टिगोचर होने वाले भगवान उत्तरायण में आते हैं, राजगीर का पथ जुड़ गया तपोवन से होते हुए तपोवन का विकास संभव हर हालत में होना ही है, क्योंकि जो राजगीर से बोध गया जाते हैं पर्यटक, उनके लिए एक रमणीय स्थान और बहुत सुंदर स्थान है, पूजा पाठ के लिए भी उतने लगे हैं और व्यापार भी बढ़ रहा है आज बौद्धिस्टों का। अगर इन सारी सुविधाओं में जैसा विकसित यहाँ पर कर दिया जाए तो गया जिला का ये सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट भी बन जाएगा, गया जिला का सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। बोध गया से लेकर राजगीर तक के रात दिन पर्यटक इसमें चलते हैं और सुरक्षा से आपस जाते हैं। यहाँ के तपोवन के और राजगीर के वातावरण को ले जा करके अपना देश विदेश में रखते हैं और अच्छा संदेश देते हैं। अभी अभी मन पर वर्मा जी का आगमन हुआ है, और मैं जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करूँगा कि हमारे मंत्री द्वय को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तपोवन महोत्सव और महोत्सव का आनंद लेने के लिए आपके मन में उत्सुकता बढ़ रही हो, इस महोत्सव के महत्व को बनाए रखना
सिर्फ प्रशासन का दायित्व नहीं है, सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है, हम स्थानीय लोगों का ज्यादा दायित्व है कि इस महोत्सव के महत्व को बनाए रखें। उपस्थित भाइयों और बहनों, यह इलाका धीरे धीरे पर्यटक का रूप लेता जा रहा है और पर्यटक के क्षेत्र में धीरे धीरे काफी ये रमणीक और महत्वपूर्ण स्थान बन जाएगा। जो है कि इस इलाके से बुद्ध का जुड़ाव है, बुद्ध का इस इलाके से आना जाना रहा है बोधगया तक, राजगीर तक। सिर्फ यहाँ पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने में हमें हमारी सरकार आगे बढ़ चढ़ करके काम कर रही है। तपो महोत्सव विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ यह स्थल, अभी और विकास की जरूरत है इसको। माननीय पर्यटन मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी अनुरोध करूँगा कि इसके विकास के लिए और जो कुछ भी किया जा सकता हो सरकार के स्तर से वो करने की जरूरत है। गया के आगे बढ़े के चाहिए और दूसरा बात ये है कि गया कैसे बढ़ते, तो हमारा लगे कि वो पर्यटन एक ऐसा विधा है कि पर्यटन के अगर विकास करल जाए तो निश्चित रूप में गया, नालंदा, जहानाबाद या मगध कहूँ एज ए होल ऐसा रूप में विकसित हो सका है कि हिंदुस्तान के लोग निश्चित रूप में आती हमारे के यहाँ देखते थी कि भाई मगध इलाका भी है जहाँ पर्यटन की संभावना है और पर्यटन के माध्यम से पैसा आते हैं। लेकिन हमारा मगध भी पर्यटन के दृष्टिकोण से आगे बढ़ सकता है, इला थोड़ा मनी काम कर लिया है ओकरा याद दिलावा ही हो। ऐसे तो नीतीश कुमार जी भाई 14-15 साल से है ही है कि विकास करिए रहा की है, हम तो सब देख रहे हैं, लेकिन जरूरी बात उनका ध्यान में होनी देर चाहिए कि भाई गया के विकास और मगध के विकास से खास करके पर्यटन विभाग के विकास से निश्चित रूप में हम बिहार के समृद्धि कर सके हैं। कि ये जो बुद्ध शरीर के बात कहा हो तो सही है कि बोध गया से राजगीर, राजगीर से और आगे के लोग बढ़ा हथी, नालंदा भी जा हथी, लेकिन एगो सर्किट है बहुत पुराना समय में, हम याद दिलावल चाहे पर्यटन मंत्री के ध्यान रखिए कि गया से लोग आवा हल्थी तो वजीरगंज, कुरकिहार, कुरकिहार के बाद तपोवन, तपोवन के बाद जेठियन, जेठियन के बाद राजगीर, राजगीर से फिर बराबर और बराबर से फिर बोध गया। ये गोल चक्र है, ये गोल चक्र अगर डेवलप हो जाए खुशी हो रही है कि अन्य वर्षों के भांति आज हम फिर एक बार तपोवन महोत्सव में इकट्ठा हुए जा करके और निश्चित तौर पर हमारी सरकार के लगातार सूत्र रही जा करके। और हम याद कराना चाहें वैसे तपोवन गया जिले का पहाड़ियों से आच्छादित ऐतिहासिक रमणीय पर्यटन स्थल है और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने जिस तरह हम लोगों ने बिहार में पहली बार एनडीए की सरकार जमाई तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अगुवाई में हम लोगों ने कृषि रोड मैप को लाने का काम किया जाए, उसी तरह से हमारी सरकार ने बोध गया सहित पूरे बिहार के 30 जिलों में जो हमारे पर्यटक स्थल हैं जिसको विस्तार से हमारे माननीय पर्यटन मंत्री बताएंगे, सरकार ने पर्यटन रोड मैप लाने का काम किया है, उसकी तैयारी चल रही है ताकि राज्य में ऐसे जो हमारी विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है, कोई बचे नहीं जा करके आने वाले समय में पर्यटन रोड मैप के माध्यम से पूरे विकास के सभी पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में
की जो पर्यटक स्थल है उसका सर्वांगीण कैसे विकास हो, चौमुखी कैसे विकास हो, इसकी पहल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लगातार प्रयास है करके है, बेहतर प्रयास है। मुझे खुशी है कि गया शहर को भी, गया जिले के गया और बोध गया सहित यहाँ भी हृदय योजना में शामिल कर एक विकास के नए आयाम देने का प्रधानमंत्री ने काम किया है। पहाड़ों से घिरा हुआ और यह अपने आप में दिखता है, मतलब हर साल से गुजरते बकरी में हम लोग हैं विधानसभा क्षेत्र में जाकर, यहाँ का जो मनोरम दृश्य जाकर के है, और चाहे कि जिला पदाधिकारी महोदय बैठे हुए यहाँ पर, यहाँ और हम भी बात करेंगे जो वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे ऑफिस लगाए जाए जाकर, जिससे पर्यावरण बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और देखा कि हाल में औसत से कम बारिश हुई और हमारे जो वन विभाग के अधिकारी हैं या फिर पहाड़ों को हरा भरा कैसे किया जा सकता है करके है, क्या इसका उपाय है, क्या रास्ता है, ताकि आने वाले समय में जो हमारा मौसम जो बदल रहा है, मौसम पर जो प्रतिकूल असर पड़ रहा है उससे बचने का प्रयास करेंगे। आप लोग शांतिपूर्वक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेंगे। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमने कुछ गांव से जुड़ी चीजें ली होनी चाहिए, तो आपके लिए बहुत ऐसे तो बहुत सारे कलेक्शन है हमारे आज के कार्यक्रम में, लेकिन बहुत सुंदर सा एक आवश्यक सूचना है, अगर आप प्रेस दीर्घा में बैठे हुए हैं और अगर आपके पास प्रेस का कार्ड नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी, प्लीज मीडिया कर्मियों का प्रेस का कार्ड है तो आप प्लीज बैठ सकते हैं। तपोवन महोत्सव 2018 जिसका शुभारंभ हो चुका है माननीय पर्यटन मंत्री किरण कमलों से, और आज कलाकारों को एवं समर्पित करते हैं वो कलाकार जो बिहार के महोत्सव की गरिमा को बढ़ाते रहे हैं, और आज फिर एक बार वो झलकियां, वो नृत्य, वो गीत सब कुछ आप तक पहुंचेगा। मनोरंजन का तूफान है तपोवन महोत्सव इसका नाम है। आइए देते हैं आमंत्रण उस कला के लिए इस मंच पे आई है। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ इन कलाकारों को, और उसके बाद लोक संस्कृति की छटा इस मंच से बिखरेगी जिसमें आप देख पाएंगे हमारे मंच दिया गया है। चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच रही है कि अपने स्थानीय कलाकारों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, इसलिए
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए बच्चों का धन्यवाद। कभी ऐसा लगा था कि ऐसे स्थान पर जा करके हम परफॉर्मेंस करेंगे, लकी फील कर रही हूँ ऐसी जगह पे आई हूँ परफॉर्म करने। स्पेशल थैंक्स टू बिहार पर्यटन केंद्र, स्पेशली आई हूँ वेस्ट बंगाल से।
Thank you.
इसका विकास तो तभी होगा जब ये सर्किट जो सड़क है इसको मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। बुद्ध सर्किट की जो बात हो रही है नेताराम मांझी जी कह रहे हैं, जैसे कुकिहार और उसके बाद भड़ाई स्थान, ये दो ऐसा जगह है जहाँ बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं और ये जो बुद्ध उधर से होके उस रास्ते से गुजरे थे। इस सड़क से जब तक मुख्य सड़कों से नहीं जुड़ेगा, सड़कें है भी तो टूरिस्ट के लायक सड़क नहीं है, ये बिल्कुल ही सड़कें हैं जिसपे टूरिस्ट बसें नहीं चल पाती। कई मोड़ ऐसे हैं जहाँ बसें फंस जाती है बड़ी वाली, इसके ऊपर राज्य सरकार का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और ये सौंदर्यीकरण की ज़रूरत है, यहाँ पेड़ पौधे और गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाई है, उसके साथ बगीचा फुलवारी इस तरह का सौंदर्यीकरण, जैसे दाल कटोरा टाइप की एक चीज़ बनी हुआ वैसे भी यहाँ भी। लग रहा है इसे तपोवन में आए हैं, बहुत ही खूबसूरत है पहाड़ी इलाका, यहाँ की जो फेमस चीजें मैं इनफैक्ट खाते खाते आई हूँ सारी दाल बाटी चोखा और सब चीजें, तो बहुत ही खुशी है यहाँ पे आने की और भगवान से यही दुआ है कि खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती जाए यहाँ की और हम कलाकारों को मौका मिलता रहे यहाँ की ऑडियंस को परफॉर्म करके एंटरटेन करने का।
में हिस्सा ले और आप इस कार्यक्रम की साझेदार हैं। कौन है जहां Thank you.
नमस्कार यहाँ गया वासियों के लिए। एक बार चाहते हैं एक बार जोरदार आवाज हो जाए हमारे पूरे बिहार के लिए, जो कि इतनी प्यारी जगह है, जहाँ पर मैं जितनी बार आती हूँ मुझे इस शहर से, इस पूरे बिहार रीजन से प्यार हो जाता है। तो शुक्रगुजार हूँ जिला प्रशासन का और बिहार टूरिज्म का, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए। और शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले आप सबका, जो इतने अपने अपने घरों से इस ठंड में हमें सुनने आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारी प्यारी इस ऑडियंस के लिए। क्या बात है, क्योंकि
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.